अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट इफ्तिखार आपकी हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको हज़रत नूह अलैहि सलाम के बेटे हज़रत हाम के बारे में कुछ बताऊँगा। जब कौम नूह ईमान ना लाई तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने एक किश्ती बनाई जिसकी तीन मंजिलें थी। सबसे नीचे हैवान और तीसरी चीज़ें जानवर वगैरह थे, और दूसरी मंजिल पे सवारी वाले और पालतू जानवर रखे गए थे, और सबसे ऊपर वाले हिस्से में हज़रत नूह अलैहि सलाम, उनकी ज़ौजा मोहतरमा, तीन बेटे और उनकी ज़ौजा मोहतरमा शामिल थी। उनके अलावा बाकी लोग मुसलमान शामिल थे और टोटल 78 के करीब थे। जब किश्ती चली तो नीचे वाले खाने में जो जहाँ जानवर थे उन्होंने बहुत गंद डाल दिया, तो अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहि सलाम ने हाथी की दुम हिलाई तो ये सूअर और सूअरनी दो पैदा हो गए जिन्होंने सारा गंद साफ़ कर दिया। इसी तरह चूहे ने उस वक्त यह काम शुरू किया कि उनके लंगर को जो रस्सी थी वो तोड़नी शुरू कर दी, काट काट ख़त्म करनी शुरू कर दी, नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मेरे बंदे, जिस शेर की आँखों के दरमियान में चोट लगाओ। जब उन्होंने चोट लगाई तो एक बिल्ली और बिल्ला पैदा हुए, उन्होंने उसको चूहे को रस्सी काटने से बाज कर दिया। बहरहाल किश्ती चली, तूफान के अंदर गुजरती हुई उसने खाना का बगा तवाफ़ किया और जाके पहाड़े वजूद पे जाके रुक गई। उसके बाद जब नीचे उतरे तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को, जिनमें शाम हाम और याफित शामिल थे, उन्होंने याफीद को यूरोप की तरफ भेजा कि तब वहाँ जा के आबादी में इजाफा करो, और शाम को उन अरब और मलिक इलाके में उनकी ड्यूटी लगा दी। इसी तरह हम उनके बेटे जो उनके एशिया की तरफ भेज दिया ताकि वह आबादी को ज़्यादा पैदा करो। अब हम जो हैं उनकी कब्र जो पाकिस्तान में है किसी को पता नहीं था, बड़े अभी रिसेंटली वो डिस्कवर की गई है। उनकी कब्र जो है जेलम के इलाके गरीबवाल में एक गांव है जिसका नाम रावल है, वहाँ पे एक बड़े रिजॉर्ट जगह पे बड़े पुराने कब्रिस्तान में दफन की गई है। वहाँ जाने का रास्ता बहुत मुश्किल है, रास्ता कच्चा है, ऊंची नीची जगह बनी हुई है और आप वहाँ पे बगैर अपनी कन्वेंस के नहीं जा सकते। और शाम जब इधर पहुँचे तो उन्होंने ये साबित नहीं हो सका कि वह अम्बिया थे या वली थे। वली के बारे में काफ़ी मुस्तन सब सबूत मिले हैं। उनकी औलाद से जो शाम थे उनकी औलाद से फिर हज़रत इब्राहिम शाम पैदा हुए, उनकी औलाद से कई अम्बिया कराम और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नस्ल से आए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, मुझे इंक्रेजमेंट करें ताकि मैं मज़ीद कोशिश करके अपने पसंद के मुताबिक अच्छी अच्छी किस्म की इंफॉर्मेशन किस्म की वीडियो लाऊं। अगर किसी चीज़ की आपको पसंद है तो मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा उसके मुताबिक तहकीक करके आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वीडियो पेश करूँ। और इसलिए मुझे इंक्रेज करें, मेरे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जब आप लाइक करते हैं तो हमारे हौसला बढ़ता है और दिल करता है कि मैं अच्छी सी किस्म की आपके लिए खिदमत में चीज़ें पेश करूं। तब तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट नई वस्त में नई वीडियो में हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें।